मिर्जापुर मंडली अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। विगत 7 मई को महिला बाथरूम में गई और मौका पाकर संविदा सफाई कर्मी ने उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया। महिला के पति पीड़िता को लेकर घर ले गए, पर हालत बिगड़ने पर आज पुनः महिला को भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर पति ने थाने में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस संविदा सफाई कर्मी की तलाश में जुट गई है। सरकारी अस्पताल में सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, एडीएम अशोक शुक्ल दलबल के साथ अस्पताल में पहुंचे और पीड़िता का बयान लेने के साथ ही वार्ड के लोगों से बात की। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। आरोप लगाया गया दुष्कर्म का, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक वीडियो के माध्यम से तथ्य अभी संज्ञान में आया है और इसका संज्ञान लेते हुए मैं और एसपी साहब और हमारे जो एसपी सिटी साहब है, एडीएम साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है और उससे हमको तहरीर प्राप्त हुई है और उस पर FIR पंजीकृत की जा रही है और जिस व्यक्ति पे उस महिला ने आरोप लगाया है उस पर टीम गठित कर दी गई है, उसकी तलाश की जा रही है और इसमें पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिला अस्पताल में महिला के आरोप है, उसके साथ स्वीपर भी दुष्कर्म किया, क्या है? देखिए, एक मामला संज्ञान में भी मैं अभी आप देखे होंगे कि मैं उसका बात भी कर रहा था उनसे और पीड़ित महिला से बातचीत की कर ली गई है, उसने कुछ बातें बताई और एप्लीकेशन भी उसके पति की तरफ से मिल गई है। हम अभियोग दर्ज कर रहे हैं इसमें और जो भी जांच है उसको करके हम जो है इसमें गिरफ्तारी भी हमारी टीम निकल लग चुकी है, इसमें हम जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे और साथ ही साथ इस मामले में जो भी लड़की बयान दे रही है उसको महिला थानाध्यक्ष की उपस्थिति में दर्ज कर लिया गया है और हम निश्चित तौर से इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तहरीर दी गई, सर किसके ऊपर आरोप लगा, ये व्यक्ति कौन है, क्या है? ये व्यक्ति जो है अस्पताल का एक जो है कर्मचारी बताया जाता है, संविदा पे बताते हैं यहाँ पर लगा हुआ है वो और शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर क्या बता रही है, अस्पताल में हुआ था, जिला अस्पताल में? ये प्रश्न तो बिल्कुल निश्चित तौर से आपका जो है यहाँ पर बताया गया कि महिला वार्ड की तरफ जब वह बाथरूम में थी, बाथरूम में जाने के दौरान उसके दौरान घटनाएं की गई। थैंक यू।